वेल, घर के काम काजों के बीच हमें कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाए जो हमारे किचन के काम को या उसकी क्लीनिंग में हमें हेल्प करे तो क्या बात है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे जबरदस्त किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे आपने ना आता सुना होगा ना ही देखा होगा। तो ये सारे ट्रिक्स एंड हैक्स ट्राई एंड टेस्टेड है, प्लस प्रैक्टिकल भी है। मैं अपने डेली लाइफ में इसे फॉलो करती हूँ जिससे मेरे किचन काम बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को, बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ऑल पे, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहे। तो चलिए आज का ये बहुत ही यूजफुल वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो घर पे जब भी इडली बनती है तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि इडली सॉफ्ट बने, बट कभी कभार वो सॉफ्ट नहीं बन पाती है। कभी कभी इनो दही का भी यूज़ करके इडली सॉफ्ट हमारी नहीं बनती है, मतलब परफेक्ट जो इडली होती है वो बिल्कुल नहीं बन पाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ बताने वाली हूँ। जब भी आप सूजी या चावल का इडली बनाएं तो उसे सॉफ्ट करने के लिए डाल दें 2 चम्मच दही। दही डालने से बहुत ही सॉफ्ट इडली बनते हैं, बट इडली को जब भी मैं घर पे बनाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इडली रहे सुपर सॉफ्ट। तो इसके लिए मैं इसमें ऐड करती हूँ इनो को, लेकिन बस इनो डालने से काम नहीं बन जाता है। जब हम इनो डालते हैं और इसे हम फेंटते हैं तो हमें यहाँ पर इसे 5 मिनट का रेस्ट देना पड़ता है। मेरी ट्रिक बस इतनी सी है, जब भी आप इडली बनाएं और उसमें इनो का ऐड करें तो इनो को डालने के बाद आप उसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। उसके बाद इडली स्टैंड को ग्रीस करके इडली बैटर को डाल दें और उसे पका लें 8 मिनट के लिए। उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप देख सकते हैं कि इडली कितने ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। मैं हाथों से ही निकाल ले रही हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी नाइफ की जरूरत नहीं पड़ रही है, हाथों से ये इडली आराम से निकल रही है। और मैं आपको इसका अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगी, ये देखिए कितने ज्यादा सॉफ्ट इडली बने हैं। ऐसे इडली आपके भी बन सकते हैं, बस आपको इनो डाल के इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए देना होगा। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो इनो डाल के तुरंत ही इसे इडली मेकर में डाल देते हैं, ऐसा करने से कभी कभी इडली हार्ड हो जाते हैं। तो बस मेरे इस ट्रिक को फॉलो करें और इडली को बनाएं सुपर सॉफ्ट। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो इस तरह का ग्रेटर आप सभी के घर में हो, हम इसे यूज करते हैं अदरक को ग्रेट करने में, लहसुन को ग्रेट करने में। मेरे घर में एक बेबी है तो उसके खाने को भी मैं इस तरह से ग्रेट करके इसमें डालती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बार बार सामान को ग्रेट करने से इसमें बहुत सारे निशान लग जाते हैं और जर्म्स एंड बैक्टीरिया का खतरा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। तो और जब हम इसकी जनरल क्लीनिंग करना चाहें तो स्क्रबर इसके कोनों में पहुँच नहीं पाता है, जिस कारण से ये हमेशा ही ऐसा ही पड़ा रह जाता है। हम इसे अपने जनरल यूटेंसिल के साथ धोते तो हैं बट ये सही तरह से क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसे साफ करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है कि इसके ऊपर लगाना है टूथपेस्ट। आप यहाँ पर कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेना है अपनी कोई पुरानी ब्रश और इसे आपको ब्रश करना है। ब्रश का यूज यहाँ पर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्रश के व्हिसल इसके कोनों कोनों में जाए और जितने भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो 2 मिनट इसे अच्छी तरह से ब्रश करने के बाद मैं इसके ऊपर डाली थोड़ा सा विनेगर ताकि ये कम्प्लीटली बैक्टीरिया फ्री हो जाए और उसके बाद हल्का सा और ब्रश करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे धो के लाती हूँ। ये देखिए एकदम ब्रांड न्यू ग्रेटर आपके सामने है। मैं आपको इसके पहले की पिक्चर भी दिखाती हूँ और अभी की पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा अंतर है, बस 2 मिनट का काम और आपके ग्रेटर हो जाएंगे बिल्कुल नए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। कभी कभी पोस्ता या पॉपी सीड को पीसना हमारे लिए एक सरदर्द हो जाता है क्योंकि किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में ये अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हो पाते हैं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम कई बार आई तो मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा सलूशन निकाला है। तो हम क्या करें कि जिस भी मिक्सर ग्राइंडर के जार में हमें इसे पीसना है उस मिक्सर ग्राइंडर के जार में मैं पहले डाल देती हूँ पोस्ता या जिसे हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी देके मैं 5 से 7 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैं ये सारे प्रोसेस मिक्सर ग्राइंडर में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर ये प्रोसेस करने के लिए हम कोई अलग से बर्तन लगाए तो पोस्तों वहाँ पर थोड़े से वेस्ट हो जाते हैं, हमें उस बर्तन से इस मिक्सर ग्राइंडर में फिर से डालना होगा। तो वहाँ पर थोड़े से वेस्टेज को बचाने के लिए मैं ये प्रोसेस मिक्सर ग्राइंडर के जार में करना प्रेफर करती हूँ। तो 5 से 7 मिनट के बीच क्या होता है कि पॉपी से थोड़े से फूल जाती है और उसे पीसना आसान हो जाता है और इसे हम जिस तरह से सारी चीज़ों को पीसते हैं उस तरह से पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट एंड पेस्ट पॉपी सीड का तैयार हो गया है। मेरे घर में पोस्तों का बहुत ज्यादा यूज है, चाहे वो किसी सब्जी में डालना हो, चाहे पनीर की सब्जी हो या बनानी हो पोस्तों की चटनी, मुझे हर दूसरे दिन पोस्तों को पीसना रहता है। तो इसलिए मैंने ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक को इन्वेंट किया है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट हैक की तरफ।
गुड़ हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा है ये आप लोग को सबको पता है। ये हमारे शरीर में खून को बढ़ाता है, चेहरे पे ग्लो लाता है और शरीर में एनीमिया की कमी को नहीं हो पाता है। मेरे किचन में गुड़ का यूज बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि मैं शुगर की जगह गुड़ को लेना पसंद करती हूँ, बट इसकी स्टोरेज भी करना एक बहुत ही बड़ा काम है। जब ठंड आती है तो गुड़ बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं और मार्केट में इसकी बहुत सारी वैरायटी भी हमें मिल जाती है। तो जब ठंड आती है तो मैं इसे स्टोर करके रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि ये अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते, गीले गीले मिलते हैं। तो वहाँ पर वो सिचुएशन से बचने के लिए मैं इसे 6 महीने के लिए स्टोरेज कर लेती हूँ। कैसे करती हूँ ये मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया एक वाइट कागज, आप यहाँ पर किसी भी तरह का न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं और इसे कट कर लिया है, मतलब चूंकि ये A4 साइज का है और गुड़ की साइज है थोड़ी सी छोटी, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे कट कर रही हूँ। अब इन कागजों में हम गुड़ को लपेट के रख देंगे। तो एक एक करके सारे जैगरी को हम कागज में लपेट लेंगे। उसके बाद लेंगे एक टिफिन बॉक्स का डब्बा या किसी भी तरह का कंटेनर, उसमें जितने भी गुड़ को हमने लपटा है वो मैं इसमें स्टोर करूंगी। और बस इसका लगा रहे हैं ढक्कन। अब मैं इसे फ्रिज में 6 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकती हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी कीड़े मकोड़े इसमें नहीं लगेंगे, जैसे आपने रखा है वैसे ही आपको हमेशा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। जब भी हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो हमें हमेशा दिमाग में रहता है कि ये ज़्यादा तेल ना सोख ले और हमारे हेल्थ को नुकसान ना करे। तो इससे बचने का उपाय ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को फ्राई करें और पैन में तेल डालें, उस समय तेल में डाल दें आप थोड़ा सा नमक। नमक डालने से क्या होता है कि जिस भी चीज़ को आप फ्राई कर रहे हैं उसे जितना ज़रूरत है वो उतना ही तेल एब्जॉर्ब करेगा, वो एक्सेस तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आपके हेल्थ के साथ साथ आपके तेल की भी बचत होगी। तो आपको मेरी ये सारी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शेयर जरूर करें क्योंकि शेयर करने से आप आगे वाले के हेल्प कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, तब तक लिए बाय बाय।